हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट जो कि आया है IOCL की तरफ से। IOCL की तरफ से इस बार के जो रिक्रूटमेंट है आया है वह है साउथ इंड रीजन की तरफ से, जहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एक एक करके आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ किस तरह से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है क्वालिफिकेशन, तो आप लोगों को सारे जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो देखते रहिएगा पूरा वीडियो। इसी के साथ साथ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलिए देख लेते ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो IOCL के ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ, जहाँ पे ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के IOCL के साउथर्न रीजन के पोस्ट निकल के आया है, जहाँ पे तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, इसी के साथ तेलंगाना एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टेट में जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे टेक्नीशियन एंड और भी बहुत सारे पोस्ट जो है ट्रेड अप्रेंटाइज के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अब लोगों को बताऊंगा यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज निकाल के आया है वो है 300 की टोटल पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं आप लोग को इसी 300 पोस्ट के अंदर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं आपको जो यहाँ पे क्लियरली बताया है 10th विथ ITI पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है विथ ITI कोर्स जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, जो अप्रेंटाइज के डिपार्टमेंट होता है उसमें अगर क्वालिफाई है तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे क्लियरली बताया है जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते यहाँ पे आप लोगों को सारे जानकारी दिया गया है। यहाँ पे जो एज लिमिट रखा है 18 से 24 ईयर्स तक भी आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। यहाँ पे IOCL के जो अप्रेंटाइज के पेज है आप लोग आप वहाँ पे अगर जाते हो तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे SC ST PWD और OBC कैंडिडेट के लिए अलग से छाड़ भी आपको मिल जाएगा। 27 दिसंबर 2021 लास्ट डेट इसका रखा है। लिंक जो मैंने नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग उसी लिंक पे जाके आपका एप्लीकेशन आप लोग भेज सकते हो। ध्यान रखना होगा 27 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के लिए आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 10th पास के सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको होना चाहिए। आप लोगों को बता देता हूँ जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन यहाँ पे करना चाहते उनके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे ऑनलाइन में एप्लीकेशन आपको भी करना है। तो जो लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड किया है उसमें आप लोग कर सकते हो विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।